विश्वात्मा बीज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषास्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरक्षणै स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पातु असौ नस्तुदीयः। अथर्ववेदी मांडुक उपनिषद के आगम नामक प्रथम प्रकरण पर विचार करते हुए अभी हम लोग छह मंत्र कुल मिला के 12 मंत्र है। पहला 6 मंत्र के ऊपर जो कहा गया है उसको वार्तिक ये हमारे कारिकाकार गौरपादाचार्य उसके अंदर छुपा हुआ रहस्य क्या है वो यहाँ पे उसका अभिप्राय करते हैं, उसको खोलने के लिए कुछ कारिका को लिखते हैं। तो पहला 6 मंत्र में पहला मंत्र में दिखाया गया कि सारा संसार रूप प्रधान है, इतना आसान है। तो फिर बाद में उसी को जहाँ जहाँ रूप है वहाँ नाम भी है, नाम के बिना रूप का इम्पैक्ट नहीं होगा, बोलो किस व्यवहार कैसे करोगे, तो नाम भी है। और इस नाम रूपात्मक जगत की व्यवहार जागृत स्वप्न में ही होता है और उसका बीज सुषुप्ति अवस्था में रहता है। मुख्य बीज है अज्ञान, अज्ञान से वासना, वासनात्मक बीज वहाँ रहता है। ये तीन प्यार के माध्यम से चल करके और तीनों अवस्था जो सारा सृष्टि जड़ात्मक है इसके अंदर कोई एक चेतन तत्व विद्यमान है जो तीन अलग अलग उपाधियों के साथ अपना अध्यास करके तादात्म्य करके व्यवहार करते रहे। तो जागृत काल में बैठ करके विचार करके कौन व्यभिचार कर रहे हैं और कौन तत्व स्थिर है वो निर्णय करना पड़ेगा। वो निर्णय करने का व्यभिचार तत्व मिथ्या होते हैं और जो स्थिर है वही पारमार्थिक सत्य वस्तु है, वही मेरा स्वरूप है। इसको दिखाने के लिए हमारे यहाँ पे फिर कार्य का शुरू हो रहा है। इसमें जो सबसे पहले कार्य का आया हुआ है तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक को बोला एक को बोला स्थूल भूत बहिष्प्रज्ञ, ठीक है ना, सप्तांगिक एक हो गया हमारा अंतःप्रज्ञ प्रविदिक्त भूख और एक क्या हो गया आनंद भूख प्रज्ञान घन आनंद भूख। एक में जागृत स्थान में अभिमान करते हैं, एक सूक्ष्म मन का अभिमान करते हैं, एक अभिमान छोड़कर केवल अज्ञान का अभिमान उठ करके बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं जाना, अज्ञान अभिमान ही इसका अभिमान है। बात तो उस समय नहीं दिखाई पड़ता, भगवान भाष्य स्पष्ट रूप में निर्देश करेंगे ये जो भी आपने जीवन में दिखाई पड़ता है जागृत में बैठ करके जागृत को सुसुप्ति बनाओ बस स्वरूप अनुभव भाष्य का ही निर्देश है ये अभी आएगा। तो पहला कारिका को दोबारा एक बार पढ़ेंगे, है ना, कल इसको एक बार पढ़ लिए थे, एक साथ मिल करके पढ़ेंगे उसके बाद। तब मैं तो यही चाहूँगा अच्छे अच्छे कार्यकार जिसको जो अच्छा लगे वो याद भी कर ले। मन 12 मंत्रों तो याद करना ही है, मूल मंत्र तो 12 याद करना ही है, परंतु इसके साथ कार्य करके मैं तो 216 कार्यकार एक साथ पूरा लगातार बोल सकता था। अभी तो भगवान की इच्छा है उसमें जिसमें थोड़ा उनका अभ्यास के बिना नहीं चला जाता है इसको। अथ गौरपादीय कारिका बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्व यन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा सुतः। अनुष्टुप छंद पूरे अनुष्टुप छंद, कोई दुष्ट छंद नहीं है, सारा अनुष्टुप छंद है। और सभी मतलब छंदों ने कोई विकृति नहीं किया और सरल शब्द सरल शब्द नहीं। कल एक बार मैं भाष्य को पढ़ लिया था तो अब हम टीका के साथ भाष्य में आते हैं, ठीक है। विश्व विभुत्तम विश्वस्व विभुत्तम प्राप उक्त अधिदैविक अभेदा अवधेयम, वहां पे क्या बोला बहिष्प्रज्ञ तो वहां भी बोलकर कहा था मूल में बहिष्प्रज्ञ सप्तांग और उसका नाम क्या था विश्व है
परंतु वो विभु नहीं कहा था, किंतु विभु नहीं कहते हुए भगवान भाष्यकर्मा पे आदि देवी के साथ एकत्र दिखा करके यही जो परिच्छिन्न चेतन है, व्यष्टि स्थूल अभिमानी परिच्छिन्न चेतन, यही चेतन व्यापक भी है, ये वहां पे भाष्यकर कहा था, मूल भी नहीं है। भाष्यकर पहले नहीं है, कालिका पहले है, ठीक है ना। कालिका का जो मूल में छह जो चीज निकल रहा है अभिप्रेत है, श्रुति को जो दिखाना अभिप्रेत है, परंतु नहीं कहा गया उसको कालिका कहते हैं, यही कालिका का अभिप्राय है। इसलिए कालिका का क्या होते विभु विश्व। हम आप भाष्यकार जो लिखा हो तो कालिका के बाद आया है कि नहीं, वो तो कालिका के बाद आया। कालिका का मूल देख कर उसके अंदर श्रुति की अभिप्राय को, नारायण के अनुग्रह से जो उनके मन में अभिव्यक्त है उसको दिखाने के लिए महिष प्रभु होते। विश्व विश्व मतलब व्यष्टि स्थूल अभिमानी चेतन, व्यष्टि स्थूल अभिमानी चेतन का वहाँ पे विभुत्व रूपी धर्म बैठा हुआ है। विभुत्व मतलब व्यापकता रूपी धर्म बैठा हुआ है। कैसे बोलते हैं, प्राग उक्त अधिदैविक अभेदात अवधेय। पहले जो अधिदैविक भगवान भक्त आनंद के लिए लिख रहे भगवान भाष्यकर दिखाया, ये आनंद के लिए टीका में लिख रहे हैं भगवान, पहले का भाष्यकार के द्वारा कहा गया है उसको यहाँ पे समझ लेना चाहिए। विश्वस्य विभुत में विभु कैसे हो गया, श्रुति ने तो नहीं कहा, वो तो भगवान भाष्यकर आपको समझाया, क्योंकि अधिदैविक के साथ एक है। इसीलिए हमें बोलते हैं विश्वस्य विभुक्तम प्राग उक्त अधिदैविक अभेदा। पहला जो कहा गया है अभिन्न अध्यात्म और अधिदैविक में अभिन्न होता है, उस अभिन्नता के कारण क्या होता है वो विभु है, व्यापक है, अवधेयम, ऐसा समझना चाहिए। अध्यात्म अधिदैव अभेदे पूर्व उधारितां श्रुतिं सूचयितुं हि शब्द, वो जहाँ पे ही अंत प्रज्ञ ही तैजस है ना, महेश प्रज्ञ विभु विश्व ही पद नहीं, ठीक है ना। तो ही आपने जो वहाँ पे विभु शब्द कहा, ये कहाँ पे लाया आपने, तो बोलते हैं कि वहाँ पे जो श्रुति ने जो ये वाक्य आया उसी के आधार पर ही निर्णय होता है ये। इसलिए बोलते हैं अध्यात्म अधिदैव अभेदे, अध्यात्म और अधिदैव मतलब व्यष्टि अभिमानी चेतन अधिदैविक चेतन उसको बैठा हुआ जाए। पूर्व उधारितां श्रुति, पहले जो श्रुति का मतलब देखो ये प्रत्यभिज्ञ यहाँ पे बोलते हैं स्मृति है ना, स्मृत्या स्मृत्या प्रत्यभिज्ञ, एक स्मृति के द्वारा और एक क्या हो गया भगवान भाष्यकार का बोलते स्मृति और प्रतिसंधानाच, यहाँ पिछले बोलते हैं पूर्व उधारितां श्रुति। हम तीन नंबर टिप्पणी में देखिए पूर्व मतलब जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ, तीन नंबर टिप्पणी में है ना, फिर इस प्रकार से श्रुति आया पूर्व उधारितां श्रुतिं सूचयितु, मैं मतलब भाष्यकार जो भी कुछ बोल रहे हैं अथवा कालिकाकार जो भी कुछ बोल रहा है श्रुति के आधार पर बोल रहा है, इसको दिखाने के लिए श्रुति जो है यहाँ पे कालिका में ही शब्द आया हुआ है। कालिका में जो ही शब्द आया हुआ है ये क्या द्योतित करता है, मैं पूर्व तो श्रुति के आधार पर कालिका का लिख रहा हूँ ये बोलना चाहता है। अध्यात्म अधिदेव अभेदे पूर्व उधारितां श्रुति, पहले में उद्धृत किया गया जो श्रुति उस श्रुति को सूचित, उसको सूचित करने के लिए यहाँ पे ही शब्द दिया गया, मतलब श्रुति के आधार पर कालिका स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि भेदात जीव भेदम आशंक्य स्वरूप ऐक्य अपि स्वातंत्र उपाधि भेदम अंतरेण विशेषण मात्र भेदात अवांतर भेद उक्ति इति आह। आप देखिए स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि भेदा है ना, तीन उपाधि है, एक स्थूल शरीर उपाधि लेकर के काम करते हैं, एक बार सूक्ष्म शरीर उपाधि लेकर के काम करते हैं और एक कारण शरीर उपाधि लेकर के काम करते हैं। तो बोलते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि भेदा, स्थूल उपाधि सूक्ष्म उपाधि कारण उस प्रकार उपाधि में भेद होने के कारण जीव भेद आशंका, तो जीव भी भिन्न हो जाएगा ऐसा शंका उठा करके बोलते हैं स्वरूप ऐक्यपि, ये स्वरूप से एक होते हुए भी देखो ये जो उपाधि जो है ना यदि बिल्कुल स्वतंत्र, ये और ये में भेद क्यों दिखाई पड़ता है, उस शरीर का निश्चय भेद क्यों दिखाई पड़ता है, दोनों में स्वतंत्रता भी है, ये इधर जाना चाहे तो ये इधर जाएगा और ये तीसरा इधर जाएगा, ये उपाधि की स्वतंत्रता है। यहाँ पे जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जिस उपाधि दिखाया गया है, यहाँ पे स्वप्न में जो उपाधि सूक्ष्म शरीर उसकी स्वतंत्रता नहीं है, क्यों जागृत काल में जिस वस्तु का गृहित होता है उसी के ऊपर उसका वासना चलता है, सुषुप्ति अवस्था में जो जागृत स्वप्न के बीज रहते हैं उसी रूप में अभिव्यक्त होता है, ठीक है ना, जो बीज रहते, इसीलिए ये जो उपाधि में स्वतंत्रता नहीं है, यदि स्वतंत्रता होता तब यहाँ पे आत्मा अलग अलग हो जाती,
जब तक यहाँ पे उपाधि के स्वतंत्रता होने पर भी यहाँ पे आत्मा जीव आत्मा में जीवत्व में तो भिन्न है परंतु शुद्ध आत्मा में एकत्र ही है। इसे अपि शब्द दिया स्वरूप ऐक्य अपि स्वतंत्र उपाधि भेदम अंतरेण उपाधि में स्वतंत्रिकता नहीं रहने पर विशेषण मात्र भेदत केवल मात्र विशेषण में भिन्नता है। वस्तु वही है एक सफेद एक काला एक लाल ये तीन विशेषण ब्रह्म हो गया इससे वस्तु में भिन्नता नहीं होती। हमने ही कभी लाल कपड़ा पहनता है कभी भगवा कपड़ा पहनता है कभी सफेद कपड़ा पहनता है व्यक्ति भिन्न थोड़ी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं विशेषण मात्र भेदत अवान्तर भेद अवान्तर भेद व्यवहार में भेद होता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति दफ्तर में जाता है एक प्रकार के व्यवहार करते हैं घर में आते हैं बच्चों के साथ एक प्रकार व्यवहार करते हैं पिता माता के साथ एक प्रकार व्यवहार करते हैं दोस्तों के साथ एक प्रकार पत्नी के साथ ये व्यवहार भेद होने पर व्यक्ति ये अवान्तर भेद नहीं है व्यक्ति भिन्न नहीं व्यक्ति वही है। इसलिए बोलते हैं कि ये गौण भेद अवंतर गौण भेद होता है विशेषण मात्र भेद अवान्तर भेद उक्ति अवान्तर भेद कहा गया इसको। इसीलिए यहाँ पे जो तीन अलग अलग कहा गया ना बहिष्प्रज्ञ विभू विश्व ये एक अलग है फिर ही अंत प्रज्ञस्तु तेजस्वी अलग नाम है इसका अलग नाम है इसका अलग नाम है घन प्रज्ञस्तु प्रज्ञ इसका भी अलग नाम है परंतु अलग ही जो विशेषण में अलग होने के कारण नाम में अलग हुआ वो ऑफिस में जाते तब उसको बोलते हैं इज द ऑफिसर अथवा सा बॉस हो जाता है। वही व्यक्ति को बच्चा बोलता है पिता पिताजी उसको नाम बुलाते हैं और पत्नी कुछ बोलते हैं हाँ जी सुनिए जी इस प्रकार बोलते हैं अलग अलग नाम होने पर भी अलग अलग विशेषण होने पर भी एक एव स्त्रीधा स्मृत है ना एक ही चेतन तीन प्रकार से स्मरण किया जाता है। वहाँ पे देखो तीन नंबर टिप्पणी तो हमने पढ़ लिया जागृत स्मृत चार नंबर टिप्पणी इसको समझाए स्वतंत्र उपाधि भेदम अंतरे में ठीक है चार नंबर टिप्पणी लिखा दिया आपका स्वतंत्र इति मिथ निरपेक्ष इति जागृत आपस में निरपेक्ष है एक दूसरे का स्वतंत्र मतलब क्या है एक दूसरे का अपेक्षा नहीं रखता एक दूसरे का मित्र निरपेक्ष आपस में निरपेक्ष इंडिपेंडेंट विदाउट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द अदर यदि ऐसा होता तब तो वहां पे क्या होता कि वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं स्वतंत्रता नहीं है इसीलिए ये स्वतंत्रता नहीं हुआ तीनों आपस में मित्र निरपेक्ष नहीं है। जैसा जागृत ने वस्तु ला दिया तदनुकूल हमारे संस्कार है तदनुकूल हमारे वासना की बीज गई और जैसे वासना के बीज है तदनुकूल फिर हम सब अपना जागृत न हो जाते हैं लटका हुआ है एक दूसरे के साथ है ना। सुविधा क्या है एक को नाश कर लो तीनों जाएगा तीनों जो अलग अलग स्वतंत्र होता है जैसे कल आया था बात आपका दुर्बुद्धि के लिए कारण क्या है तो बोलते हैं कोई मतलब आपका इंद्रियों की शिथिलता आपका दुर्भाग्य वैराग्य की अभाव ये सब का ही कारण दिया मतलब इसके पीछे मूल कारण क्या है तो एक को दिखा वासना वही अनर्थ का हेतु होता है उसी को नाश करने के लिए लग जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है कि तीनों का आपस में जुड़ा हुआ है तो एक को मूल को नाश कर दो बाकी तो अपने आप जाएगा सुविधा इसमें तीनों अलग अलग दिशा में दौड़ते हैं। हम लोग जो पहला कार्यक्रम पारायण कार्यक्रम शुरू किया तो कई महात्मा इकट्ठा हुए तो कोई कहाँ चला जाता कोई कहाँ चला जाता अच्छा जी अब मैं एक ही कमर में थे बद्रीनाथ में अच्छा जी बोले ये महात्मा को इकट्ठा करना और जिंदा मेढक को तोड़ना जैसा जिंदा मेढक मेढक जानते हो फ्रॉग फ्रॉग को एक रखो उठ जाता है तो जिंदा का मेढक को एक साथ तोड़ना चाहोगे तो क्या होगा एक को रखोगे दूसरा कूदेगा तोड़ना जैसा साधु इकट्ठा करना ये जिंदा मेथक को तोड़ना जैसा है वो तो सब स्वतंत्र है साधु कौन किसी का मिल बड़े नहीं है जिंदा मेथक को यहाँ पे बंद ये है कि ये मिथ और निरपेक्ष भी जावा तो आपस में निरपेक्ष उसको स्वतंत्रता बोलते हैं किसी का अपेक्षा नहीं रखता है ना। उपाधि स्वतंत्र नाम स्व उपहित व्यवहारे उपाधि अंधर निरपेक्षतम ध्यान देना यहाँ पे उपाधि में स्वतंत्रता का अभिप्राय उपाधि मत उपाधि का स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता उपाधियों की स्वतंत्रता मतलब होता है स्व उपहित व्यवहारे उस उपाधि को लेकर के जो व्यवहार कर रहा है व्यवहार में उपाधि अंतर निरपेक्ष दूसरे उपाधि का अपेक्षा नहीं रखेगा उपाधि तो अपने आप व्यवहार नहीं कर सकता उपाधि को ले करके जो व्यवहार करते हैं चेतन तत्व तो वो व्यवहार करते समय दूसरे उपाधि का अपेक्षा ना रखे तब तो उपाधि की स्वतंत्रता होगी परंतु ऐसा तो नहीं होता वो तो जैसे संस्कार आया हुआ था तो बीज उसमें कर ही निकलेगा व्यवहार से बोलते हैं उपाधि स्वतंत्र नाम स्व उपहित व्यवहार है उपाधि अंतर निरपेक्षतम उपाधि अंतर की अपेक्षा नहीं रखना जैसे जाता देवदत्त जग्नदत्त स्वामी सर्वानंद जी और हृदय आनंद जी को निरपेक्ष उपाधि है
इसको अपेक्षा नहीं रखते। सर्वानंद जी का जागृत स्वप्न से शुद्ध निरपेक्ष नहीं है, वो हम तो दोनों अलग अलग उपाधि स्वतंत्र है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अब यहाँ पे उपाधि स्वतंत्र नाम स्वपहित व्यवहार है। आपने उपहित मतलब क्या होगा, उपाधि के साथ जो दिखाई दे रहा है वो हो गया उपहित है ना, और उपाधि हो गया कपड़ा, और कपड़ा पहनने सफेद कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति हो गया सफेद कपड़ा के अंदर उपहित, और सफेद कपड़ा हो गया उपाधि, सफेद कपड़ा हो गया उपाधि, सफेद कपड़ा वाला व्यक्ति हो गया उपहित। वो अपना जिस उपाधि के साथ व्यवहार कर रहे हैं स्व उपहित मतलब अपने उपाधि के साथ उपहित होकर के, प्रत्येक अपना अलग अलग है ना संस्कार, इसलिए स्व हम अपना हाँ सबका अपना अपना स्व अपना अपना स्व उपहित व्यवहार है, जो जो जिस उपाधि को लेकर के जो व्यवहार कर रहा है, क्योंकि आप देखिए उपहित जो हो रहा है जो चेतन वो एक होने पर भी उपाधि के कारण अलग अलग दिखता है, परंतु अपना जिस उपाधि के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो अंत करना अलग अलग है, इसलिए प्रमाता अलग दिखता है साक्षी अलग नहीं है, साक्षी एक है। इस अभिप्राय से हमें बोलते हैं उपाधि स्वतंत्र नाम स्व उपहित व्यवहार है, अपने उपहित के साथ अपना उपाधि अंतर निरपेक्षतम है ना, उपाधि अंतर मतलब जागृत को उपाधि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब, और अब देखिए सूक्ष्म वही सूक्ष्म शरीर आपका सूक्ष्म आपका तेजस अवस्था में व्यवहार करता है, जागृत समय में भी सूक्ष्म शरीर काम करते हैं है कि नहीं, सूक्ष्म शरीर बिना इंद्र व्यवहार कैसे करेगा, स्थूल तो ये तो गोलक मात्र है, और स्वप्न काल में भी वही तेजस व्यवहार करते हैं, सुषुप्ति काल में वही बीज रूप में आके रूप हो जाता है, सूक्ष्म शरीर बीज क्या ना, इसका फंक्शन सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, सूक्ष्म शरीर का फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, यही जो है इधर भी इधर जो व्यवहार करते रहता है, इसी से आते हैं अंदर इसी से आते हैं बाहर, ये जो सूक्ष्म शरीर में मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश दोनों है, हाँ बिल्कुल, तो विज्ञानमय कोश में बुद्धि और अहंकार, बुद्धि और अहंकार है, और पंच ज्ञानेंद्रिय, आपका ज्ञानेन्द्रिय और मन और चित्त, ये होगा मनोमय कोश में आएगा। यहाँ पे आगे बोलते हैं देवदत्त जगदत्त जैसा विश्वादि उपाधि नाम तू, विश्वादि उपाधि विश्व क्या होगा स्थूल अभिमानी व्यष्टि चेतन, विश्वादि उपाधि नाम तू मिथ सापेक्षत्वेन, वो आपस में सापेक्षित है, स्थूल शरीर के सापेक्ष में सूक्ष्म शरीर में संस्कार जाता है, सूक्ष्म शरीर संस्कार उसको ही बीज रूप में अंतर जाता है, और वही बीज से फिर निकाल कर इसलिए बोलते हैं कि विश्वादि उपाधि नाम उसको पहले पकड़ा तू मिथ आपस में सापेक्षत्वेन अस्वतंत्रा, तो स्वतंत्र नहीं होने से न मुख्य भेद प्रयोजकत्व, इसलिए मुख्य भेद में वो हेतु नहीं बन सकता, ठीक है। शब्द को देखिए कि विश्वादि उपाधि नाम तो मिथ सापेक्षतेन अस्वतंत्रा, स्वतंत्र नहीं होने के कारण न मुख्य भेद प्रयोजक, मुख्य भेद में वो हेतु नहीं बन सकते, वो हेतु नहीं बन सकता, गौण भेद दिखाई पड़ता है, अवंतर भेद दिखाई पड़ता है व्यवहार में, जागृत अपने व्यवहार में मुख्य भेद नहीं है, विशेषण मात्र भेदकत्वेन, वो केवल मात्र विशेषण में विशेषण मात्र यदि भेदक होता है, क्या होता है विशेषण भेदक है, एक लाल कपड़ा और एक सफेद कपड़ा, ठीक है ना, विशेषण मात्र भेदक हो गया, ठीक है ना, तो एक ही व्यक्ति अलग अलग कपड़ा पहने व्यक्ति एक रहने पर भी विशेषण भेद हो सकता है, इसलिए हमें बोलते हैं विशेषण मात्र भेदकत्वेन तू अवान्तर भेद संपादो, अवान्तर भेद को संपादन करेगा, एक ही व्यक्ति में विशेषण की भेद से उस व्यक्ति में अवान्तर भेद गौण भेद संपादन करेगा, मुख्य भेद नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए विशेषण मात्र भेदकत्वेन केवल मात्र विशेषण ही वहां पे भेद करने वाला होने के कारण तू अवान्तर भेद संपादकत्व वहां पे अवान्तर भेद को संपादन करते हैं, मुख्य भेद नहीं है, इसलिए तेषां अवान्तर भेद उक्ति संभव, वहां पे अवान्तर भेद उक्ति, अवान्तर भेद किसको दिखा रहा है, जो बहिष्प्रज्ञ अंत प्रज्ञ एक विभु विश्व तेजस नाम भेद घन प्रज्ञ ये सब जो है ये अवान्तर भेद है, तो एक नहीं ये विशेषण के कारण भिन्न एक त्रिघास्मित मुख्य चीज है, अवान्तर भेद उक्त संभवती अर्थ, ये होगा हमारा चार नंबर टीका, फिर टीका में आ जाइए पदार्थानां पूर्वम एव उक्तत्वा तात्पर्य श्लोकस्य वक्तव्य अवशिष्यते तद आह, देखिए जिस पद जो पद श्लोक में आया हुआ है
श्लोक में जो पद आया हुआ है बहिष्प्रज्ञ विश्व विभु विभु कहते हैं अंत प्रज्ञ तेजस्व, इसका भगवान भाष्यकार पहले व्याख्यान कर दिया, परंतु इसका तात्पर्य जो कह इसमें वो नहीं कहा। ठीक है, आनंदगी जी क्या बोलते हैं, पदार्थानाम, पदार्थ मतलब जो जो पद यहाँ पे आया हुआ है उस पदों का अर्थों का पदार्थानाम, जो पद इस श्लोक में आया हुआ है उस पद की अर्थों का, ठीक है ना, पदार्थानाम पूर्व एवं उपदत्ता भगवान भाष्यकार, ये श्लोक मूल में भी आया हुआ है, इसलिए भगवान भाष्यकार इस श्लोक का इस आए हुए पद को पहले अर्थ कर देने के कारण तात्पर्य श्लोक वक्तव्य अवशिष्य थे, इस श्लोक में क्या तात्पर्य अभी प्रदर्श वो बचा हुआ है, पदार्थ बचा हुआ नहीं है, पदार्थ तो पहले बोल करता है, केवल तात्पर्य अर्थ बचाना है। किसी ने बोलते हैं कि श्लोक से तात्पर्य वक्तव्य, श्लोक का जो तात्पर्य है वो बचा हुआ है, वक्तव्य अवशिष्य थे, तब आहो उसी को मन में रखते हुए बोलते हैं भगवान भाष्यकार। देखिए भाष्यकार क्या करता है, आपने मूल का अर्थ का तो समय देखा, एक एक मूल का पद लिया उसका अर्थ कर दिया, यहाँ ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि इसका अर्थ पहले हो चुका है, तो इसमें तात्पर्य अर्थ क्या छुपा हो उसको बोलते हैं पर्यायेन, मतलब थोड़ा सा धीरज के साथ प्रत्येक चीज को समझ के चलिए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि क्लैरिटी आ जाएगा आपको, लिखने की शैली क्यों बोल रहे हैं सब सब आपके पास स्पष्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा कि अचानक ये शब्द क्यों, अचानक ऐसा क्यों बोलते हैं, कुछ नहीं अचानक नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रही है। इसलिए हमें बोलते हैं पदार्थानाम पूर्वम एवं उक्तत का तात्पर्य श्लोकस्य वक्तव्य अवशिष्यता था पर्यायेन त्रिस्थानत्व सोहम, ये तात्पर्य है, हमको क्या करना है ये तीनों स्थान में क्रमशः मैं ही विचरण कर रहा हूं, स्मृत्या और प्रतिसंधानाच, क्योंकि जागृत में जो देखा उसका मैं स्मरण करता हूँ शोषो के, अथवा स्वप्न में जो देखा उसका मेरी स्मृति होता है, और प्रतिसंधान क्या होता है, कल जो मैं व्यवहार किया था आज उसी चीज को लेकर देखा, हाँ मैं कल किसी को देखा था, ये प्रतिसंधान होता है, प्रतिसंधान और स्मृति के आधार पर यही मैं हूँ जो जागृत काल में व्यवहार कर रहा था, वही मैं स्वप्न देखा, वही मैं गहरा नींद में सो करके फिर अभी जग गया हूँ, ठीक है ना, ये स्मृत्या और प्रतिसंधान। अच्छा देखिए स्मृति शब्द का अर्थ कर दिया प्रत्यभिज्ञा, और आपका प्रतिसंधान का अर्थ कर दिया विषय ही करना, ध्यान देना दोनों की भिन्नता क्या हुआ, स्मृति मतलब प्रत्यभिज्ञा होता है, प्रत्यभिज्ञा मतलब पहले किसको देखा फिर दोबारा उसको पहचान लेना, कल क्या किया उसको जो हो गया प्रत्यभिज्ञा, दूसरा क्या है वो प्रत्यभिज्ञा मेरा विषय बन गया, मैं विषयी करना उसको मैंने विषय बना दिया, क्या अभिप्राय है वो हमारे सामने दृश्य बन गया, मैं दृष्टा उससे भिन्न हूँ तीनों को देख रहा हूँ, अभी शब्द प्रयोग की शैली अभिप्रेत अर्थों को समझ लीजिए, यहाँ पे दोनों शब्दों एक हो गया स्मृत्या दूसरा हो गया प्रतिसंधान, स्मृति मतलब प्रत्यभिज्ञा प्रतिसंधान मतलब विषय रूप में दिखाई दे जाइए, जो हमारे सामने मुझे विषय रूप में दिखाई दे रहा है तीनों व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, किन तीनों को बहिष्प्रज्ञ को अंत प्रज्ञ को आनंद भूख को, इन तीनों को मैं देख रहा हूँ, तो ये दृश्य है तो मैं इससे अलग हूँ, ये मैं इससे अलग हूँ, इसलिए होता है कैसे अहमिति, ये जो होता है पर्याय ना त्रिस्थान पर्याय से तीन स्थान में जो घूम रहा है सो अहमिति वो मैं हूँ, क्रम से जो तीन दिखा है ना कि मतलब क्या रेस्पेक्टिवली अथवा अपने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो जो घूमते रहते हैं क्रोनोलॉजिकली पर्याय ना त्रिस्थान सो अहम जो वहाँ पे घूमता है वो मैं हूँ, इति स्मृत्या क्योंकि जो मैं जागृत में व्यवहार कर रहा था वही मैं इस समय सो रहा हूँ, स्मृति होती है केवल इतना ही नहीं, जो जाग देखिए जो जागृत में खड़ा होकर के व्यवहार करता है वही मैं इस समय सो रहा हूँ, इन दोनों को खड़ा मैं को और सोना मैं को जो देख रहा है वो जागा भी नहीं सोया भी नहीं तो मैं भिन्न हूँ, ये हो गया प्रतिशम विषय के दिशा प्रतिशम से मैं भिन्न हूँ, ये इसका अंदर तात्पर्य है छुपा हुआ, इसलिए बोलते हैं कि प्रतिसंधान स्थान तय, इसलिए वो तीनों स्थान से भिन्न स्थान त्रय व्यतिरिक्त एकत्वम शुद्धत्वम असंगत्वम सिद्धम इति अभिप्राय। देखिए शुरू में ही आपका पूरा स्वरूप के एक ही जगह पे खड़ा होकर के बोलते यहीं पे, इसे क्या सिद्ध हुआ ये तीनों स्थान से मैं भिन्न हूँ क्योंकि तीनों स्थान को मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, और देखने वाला मैं एक ही स्थान भिन्न एकत्वम फिर शुद्धत्वम क्यों जिसको मैं देख रहा हूँ उसके साथ मेरा संबंध नहीं है, क्योंकि मैं क्यों मैं शुद्ध हूँ क्योंकि मैं असंग हूँ
शुद्धत्व के लिए हेतु दिया असंगत्व, शुद्ध असंगतम च सिद्धम, ये सिद्ध हो जाता है इति अभिप्राय। इस एक ही श्लोक में देखिए जीव के स्वरूप को कितना एक जगह पे खड़ा होकर के सिद्ध कर दिया। पहला श्लोक में एक एव त्रिधा, अब इसके ऊपर टीका देखिए, यदि आत्मन चैतन्यम इव स्वाभाविकम स्थान अत्र युक्ति दे रहा है, ये तीन स्थान यदि आत्मा जैसा चेतन है, मैं चेतन हूँ इस विषय में किसी का कोई शंका नहीं है, आत्मा मतलब मैं चेतन हूँ, ये चेतन यदि चेतन जैसा ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी यदि आत्मा का स्वाभाविक धर्म होता, क्या बोला, इस प्रकार चेतन जैसा आत्मा का स्वरूप है, इसी प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी यदि आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप होता तो क्या होता, जागृत भी स्वप्न में आता, स्वप्न जैसे चेतन आता, चेतन आता जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में व्यभिचार नहीं करता, परंतु जागृत के वस्तु स्वप्न में व्यभिचार करता है, स्वप्न में वस्तु स्वप्न सुषुप्ति व्यभिचार करता है, जागृत स्वप्न दोनों सुषुप्ति व्यभिचार करते हैं, इसीलिए परंतु चेतनता की व्यभिचार नहीं होती, चेतनता की व्यभिचार नहीं होती, और असंगता का व्यभिचार नहीं, असंग ही अयम पुरुष बार बार श्रुति बोलते हैं, यदि तुम उसके साथ उसका तुम्हारा तादात्म्यता होता ना, एक होता तुम्हारे साथ, उसको तुम साथ लेके आके आते हो, साथ लेकर के नहीं आते हो, इससे सिद्ध होता है तुम असंग हो, मन केवल मंत्र पकड़ के रखा, आत्मा में कभी जा सकती नहीं है, आत्मा सर्वत्र असंग है, मन जोड़ देता है असंग आत्मा को विषय के साथ जोड़ने वाला को ना, मन एक बीच में पकड़ लिया, बस मनुष्य ही अमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध, मन अमन हो जाए तो द्वैत दिखेगा ही नहीं, इसको मन में समझाने के लिए यदि आत्मन चैतन्यम इव स्वाभाविकम स्थान त्रयम सैत, यदि आत्मा के चेतनता के तारा स्वाभाविक यदि उसका स्थान त्रय होता न तही तदवत्तम व्यभिचरित महती, तब वो जो है वो चेतन चेतन में जैसे अव्यभिचरित तो है, इस प्रकार अव्यभिचरित वहाँ होना चाहिए था, परंतु वो व्यभिचर्य है, न तही यदि ऐसा होता तब तो तद्वत एव तम व्यभिचरित महती, तब चेतनता का भी व्यभिचार होता, जिस प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विषय का व्यभिचार होता है, यदि अब वो चेतन होता है ये तो नहीं कह सकते, तब क्या होता कि चेतन भी व्यभिचार करता, इसीलिए चेतन में व्यभिचार नहीं ऐसा न तरी तद्वत एवं व्यभिचर तुम अर्ति व्यभिचर व्यभिचरती च आत्मान स्थानत्रय, कौन व्यभिचार करता है, आत्मा को स्थानत्रय व्यभिचार करता है, व्यभिचरती स्थानत्रय में न्यूट्रल जेंडर है, प्रथम एक वचन है स्थान, आत्मान भी द्वितीय एक वचन है, आत्मान तो द्वितीय एक वचन समझ से आता है ना, आत्मा आत्मा स्थान, आत्मा को स्थानत्रय व्यभिचार करता है, स्थानत्रय को एक शब्द बना दिया, त्रयानाम स्थानानाम समाहार स्थानत्रय, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्थानत्रयम आत्मानम व्यभिचरति, ठीक है ना, तीन स्थान आत्मा को व्यभिचार करते हैं, क्रम अक्रमाभ्याम पर जाने शब्द कभी क्रम से कभी अक्रम से, तत्च त्रिस्थान, इस प्रकार आत्मा का तीन स्थान होने के कारण, रहने का ज्यादा तीन होने के कारण, त्रयो आवश्यकता अपाया था ऐतरीय उपनिषद में, त्रयो आवश्यक अयम आवश्यक अयम आवश्यक अयम आवश्यक त्रयो मिथ्या, श्रुति वाक्य है ऐतरीय उपनिषद, त्रय आवश्यक तीन इसका बैठने के रहने की जगह है, और अयम आवश्यक जागृत स्वप्न सुषुप्ति को दिखाया, अथवा मतलब एक पिता के शरीर में एक माता के शरीर में और मर के जब एक तीसरा जन्म लेता है, ये तीनों ही मिथ्या है, सब मिथ्या है, क्या चल रहा है, श्रुति वाक्य है, स्वयं श्रुति वेदांत सिद्ध नहीं किया, अत तद व्यतिरिक्त तम आत्म, इसलिए क्या हो गया, उस तीन अवस्था से आत्मा भिन्न है ये सिद्ध होता है, ठीक है ना, कि यदि आत्मा न चैतन्यम एवं स्वाभाविक, जैसा आत्मा में चेतना था उसका स्वभाव है, इसी प्रकार स्थान भी स्वभाव होता, न करी तदवत्तम व्यभिचर तुम रहती, तो वो जो है व्यभिचर नहीं करता, परंतु व्यभिचर स्थानत्रयम च आत्म तू व्यभिचर, यहाँ पे चौका तू अर्थ में आया हुआ है, परंतु स्थानत्रय तो आत्मा व्यभिचर करता है, चैतन चैतन्य का व्यभिचर नहीं करता, इसलिए क्या हो गया, क्रम अक्रमाभ्याम तस्थान, क्योंकि क्रम से अथवा अक्रम से आत्मा तीन स्थान में रहने के कारण, अत तद व्यतिरिक्त आत्मा आत्मा वो तीनों से भिन्न है, ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है ना, तो क्या हो गया, और इसके फलस्वरूप क्या हो गया, व्यतिरिक्त सिद्ध हुआ, अब व्यतिरिक्त तो तीन स्थान में तीन अलग व्यक्ति नहीं है, अकेला मैं ही हूँ, इसलिए एकत्व, और क्योंकि मैं वहाँ से के साथ संबंध नहीं रखता, इसलिए मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि मैं स्वरूप तो अशुद्ध हूँ, अब उससे को देखिए टीका और बोलते हैं, ये कैसे प्रतिसंधान होता है, ज सुप्त सो अहम जागरमी इति अनुसंधाना, ठीक है ना,
जो सोया हुआ था मैं, ये तीनों चार देखिए, जह सुप्त स अहम, ये चारों जो सामानाधिकरण में नॉमिनेटिव सिंगुलर है, एक यत पद का, एक सुप्त पद का, एक तत्पद का, एक अस्मत पद का, ठीक है ना। तो यहाँ पे चारों नॉमिनेट सिंगुलर में है, जह सुप्त जो सोया हुआ है, सो अहम जागो ही मैं इस समय जगा हुआ हूँ, ठीक है ना। इति अनुसंधान, एक हम अपने आप अनुसंधान करते हैं, अपने आप हमको समझ में आता है, इसलिए क्या हो गया एकत्वम, मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक एकत्वम, तस्य अवगतम, मतलब आत्मा की एकत्व भी समझ में आ जाता है। तो व्यतिरिक्त तत्व समझ में आता है, फिर एकत्व पर भाष्यकार की पंक्ति को ध्यान रखना, आनंद जी क्यों लिख रहे हैं इसको, भाष्यकार क्या बोला, स्थानत्रय व्यतिरिक्त तत्व, क्योंकि स्थानत्रय में ये घूमता रहता है, ये होगा, और फिर एक ही है घूमने वाला, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। कैसे पता लगता है कि जो मैं सब उस स्थान में था वो इस समय में जगा हुआ हूँ, तो वही मैं हूँ, इस प्रकार अपने को प्रत्यक्ष होती है। इसलिए भी बोलते हैं कि जो सुप्त सो अहम जागृत अनुसंधान एकत्वम तस्य अवगतम, एकत्वम आत्मन तस्य आत्मन अवगतम, एकत्वेन हि स्मृत्या घटादो एकत्वम इष्यते, एक ही व्यक्ति ने जो अनुभव करता है, स्मृति करता वही होता है। इसीलिए क्या होता है, जिस घड़ा को मैं कल देखा था उसी घड़ा को मैं आज देख रहा हूँ, स्मृति से भी एकत्व सिद्ध होता है। जो कल हम लोग यहाँ पे पाठ कर रहे थे वही आज यहाँ पे पाठ में आए हुए है, इस स्मृति से भी क्या सिद्ध होता है, कल जो व्यक्ति था वो आज भी वही है, कोई भिन्न व्यक्ति बदला नहीं। इसलिए यहाँ पे बोलता है एकत्वेन हि स्मृत्या घटा दो एकत्व इष्यते, उससे घट उसी घट को मैं देख रहा हूँ, जिस कल मैं देखा था उसी को मैं आज देख रहा हूँ, उसमें भी अभिन्नत्व सिद्ध होता है। अब क्या बोलते हैं कि धर्म धर्म राग देशादि मलस्य अवस्था धर्मत्व, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। ये धर्म धर्म पुण्य पाप राग देश संस्कार कर्म, ये किसका धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है, ये सब उपाधि का धर्म है। यानी इसलिए बोलते हैं धर्म धर्म राग देशादि मलस्य अवस्था धर्मत्व, अवस्था की धर्म है ये, ठीक है ना, अवस्था धर्मत्व तब अतिरेक, इसीलिए आत्मा पहले क्या सिद्ध कर दिया, अवस्था से आत्मा भिन्न है, अवस्था में आपका धर्म, जागृत अवस्था में आप पूर्ण अपूर्ण काम करते हैं, शरीर के द्वारा काम करते हैं, इसलिए इसके साथ आत्मा का संबंध नहीं है। धर्म धर्म राग दिशादि मनस्य अवस्था धर्मत्व तब अतिरेक शुद्धत्व सिद्धति, उससे भिन्न होने कारण आत्मा की शुद्धता वही सिद्ध हो जाता है। ध्यान रखना, इसलिए ये नहीं सोचना कि साधन करके मैं आत्मा को शुद्ध किया, साधन किसे, आत्मा तो नित्य शुद्ध है, हम तो कर्म शुद्धि के कारण थोड़ा सा साधन करना पड़ता है। यदि पहले से अपने शुद्धत्व का निश्चय है, बोलेंगे आप आगे जाकर ग्रंथि में, पहले से अपना शुद्धत्व का निश्चय करो, अपना शुद्धत्व का निश्चय करो, बस वही सबसे बड़ा साधन है, वही सबसे बड़ा साधन है। आगे जाके बोलेंगे सर्वे धर्म प्रकृति निर्मल आदौ बुद्ध तदा मुक्त बुद्ध दीति नायिका, वेरी फ्यू रेयर कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ, हम सर्वदा असंग है, मैं शुद्ध हूँ, किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, यही निश्चय यही दृढ़ता अत्यंत अनुकूल व्यवहार, मैं असंग तो हूँ, फिर किसी को कुछ बोले तो गुस्सा तो मैं क्या लाभ हुआ, तुरंत रिएक्शन नहीं होता, बिल्कुल मुर्दा जैसा जिंदा हो जिन मतलब जीवित रहना, ये चीज जो है पहले से निश्चय करने से होते, इसलिए बोलते हैं धर्म धर्म अलग संस्कृत पढ़ेंगे ना आपको लगेगा कि हम अंडू का कार्य करके बोला कि एक ही में ही आपका बोध होगा, बिल्कुल स्पष्ट करके दिखाएगा, बस यही तुम्हारे लिए साधन है, ऐसा चलो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, स्वरूप सिद्ध जो समझ में आ जाएगा। धर्म धर्म राग देशादि मलस्य अवस्था धर्म का तक अतिरेक उससे भिन्न होने के कारण शुद्धत्तम अपनी आत्मनो सिद्धति आत्मा शुद्धता भी सिद्ध हो जाता है। तो आत्मा शुद्ध हो गया तो संगत कहाँ से आएगा, संगस्य अपि वेदत्वेन अवस्था धर्मत्व अंगीकारा, संगता क्या है कि वो जो है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य विधि सर्वस्व विष्ट, वो आत्मा ही ज्ञान है और वही जानने योग्य है और वो ज्ञान से उसको जाना जाता है। ये जो बोलते हैं यहाँ पे संगस्य अपि संगता भी वेदत्वेन अवस्था धर्मत्व, वो भी क्या किसके साथ संग होता है, जिसको मैं जानता हूँ, किसके साथ संग कर गया, जिसको आप जानते हो, ठीक है ना। आप आत्मा कभी भी विषय रूप में नहीं जाना जाता, आत्मा को विषय रूप में नहीं जाना जाता, फलत इसीलिए आत्मा के साथ संग किसी के साथ मत, संग तो दो में दो है ही संग जरूरत है, संग से भी वेदत्वेन जानने जो अवस्था धर्म अवस्था को आप जानते हैं,
अंगीकारा उसको अंगीकार करने तद अतिरेक उससे भिन्न होने का तद दृष्टि असंगतम अपनी इसे दृष्ट सर्वत असंग है संगतम है वो कहना युक्ति संगत है इसका अभिप्रेय करते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक श्लोक आता है आसक्ति संग सर्वथा त्यक्तव्य यदि त्यक्त न सकते आसक्ति सर्वथा त्याज्य है आसक्ति कभी भी किसी ने सभी मान लीजिए यदि मान लीजिए इस प्रकार आसक्ति को नहीं त्याग कर सकते हो तो सब भी सह तत् कर्तव्य तब एक सब के साथ संग करना सब के प्रति आसक्ति करना क्यों सकाम संगम ही भेषजम ये भवरोग की दवाई है क्या सत्संग सकाम संग ही भेषजम सब के साथ संग मत अपने स्वरूपों के सबसे सत उसके साथ संग उसका चिंतन करोगे भवरोग से मुक्त हो जाओगे सकाम संगम ही भेषजम संग संग आत्मा के साथ कोई शक्ति नहीं होता परंतु वही मन के द्वारा उसकी चिंतन करेंगे वही सबसे अच्छा दवाई है। इस प्रकार से देखिए भगवान भाष्यकर की जो चार शब्द था स्थानत्र व्यक्तिरिक्तत्व एकत्व शुद्धत्व असंगत्व च आनंद के जी ने एक एक करके लिखा दिया क्यों है एक एक करके लिखा उसके पीछे लॉजिक दे दिया ठीक है ना भाष्यकार तो श्रुति के आधार पर बोल दिया आनंद जी उसके लॉजिकली सिद्ध कर दिया। अब बोलते हैं युक्ति सिद्धे अर्थे श्रुति उदाहरती जो युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दिया उसके फिर श्रुति के द्वारा उसको पुष्ट करते हैं युक्ति सिद्धे अर्थे श्रुति उदाहरती युक्ति सिद्ध युक्ति के द्वारा सिद्ध हुआ जो विषय उस विषय में श्रुति को भी उदाहरण के रूप में फॉर रेनफोर्समेंट उसको पुष्ट करने के श्रुति वाक्य को भी आते हैं। तो श्रुति वाक्य को हमें क्या दिया महामत्सादि दृष्टान्त श्रुति वहाँ पे ऐसा वाक्य आता है तद यथा महामत्स उभे कुले अनुसंचरति एक विशाल मछली नदी की गंगा में ऋषि कृष्ण स्पष्ट देखने को मिलते हैं दोनों कुल में इधर उधर करते हैं गंगा की तीव्र धारा में बहता नहीं है वो कुल के जो भी कुछ देता है खाता है फिर भी कुल से असंग है वो कोई व्यक्ति ने कुछ दाना बना फेंका तो खा लेगा पर उसके पास आसक्ति नहीं करेगा तुरंत दूसरे के पास जाएगा ये जो है कि महामत्स्य महामत्स्य तद यथा महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति पूर्वम च अपरम च एवं एव अयम पुरुष एतौ उभौ अनुसंचरति ये दोनों स्थान में अनुगम बार बार आवागमन करता रहे स्वप्नांतम च बुद्धांतम च ये है आपका 4-3-18 है कल बताया था इसमें 4-3-18 और 4-3-19 यहाँ पे जो यथा शे नोवा सुपर नोवा इस मंत्र आते हैं वहाँ से तो यहाँ पे बोलते हैं कि श्रुति सिद्धि अर्थ श्रुति उदाहरती आप देखिए वहाँ पे जो अर्थ आया हुआ है ना कि तद यथा महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति पूर्व इसी को आनंद जी लिखते हैं महान नादेये नादेये न स्रोतसा ये नदी नद्या अयम इसे ढक प्रत्यय होता था ढक प्रत्यय होकर के यो आता है तो नादेय बन गया नदी शब्द से नादेय नदी संबंधित जो नादेय बन उसका तृतीय एक वचन बना पहले बना नादेय नदी संबंधित और इसके साथ भीषण है ये स्रोतसा नदी के साथ जो स्रोत है उस स्रोत के द्वारा महानदा क्या है महामत्स्य बोला कि नादेयेन श्रुतस अप्रगम्य गति ये इसकी महानता है बोला ना महामत्स्य बोला सामान्य मत्स्य नहीं बोला महामत्स्य महाविशेषण क्यों लिया बोलता है नदी की तीव्र वेग के द्वारा इकाई प्रकंपित नहीं होता कौन मत्स्य यहाँ तो मत्स्य स्थल में कौन है हमारी आत्मा संसार की तीव्र भोगात्मक बुद्धि के द्वारा ये कभी विचलित नहीं होता जरा दृष्टांत दृष्टांत को ठीक से समझने का कोशिश करें था आपको अच्छा लगे क्या शब्द बोला जाते भयंकर नदी की वेग की नदी के अंदर जो मछली है वो कुछ भी नहीं होता प्रकंपित नहीं होता ये बह नहीं जाता वो अपने मुंह इधर उधर घूमता रहता है ठीक इसी प्रकार से ये संसार में जो विषय वासना की भयंकर प्रभाव में आत्मा बह नहीं जाता मत्स्य स्थानीय में आत्मा यहाँ पर इसलिए बोलते हैं महानादेश अप्रकम्य गति ये हो गया महानता अति बलियांशी तिमी वो तिमी मछली मतलब बड़ा मछली जो होता है वो बहुत बलवान होता है नदी की भयंकर हम नदी के अंदर खड़े होने जाएंगे खड़ा नहीं हो पाएंगे धक्का मारेंगे एक तरफ भी खड़ा रहेंगे थोड़ी देर का भी है तो ठंडा भी है और फिर खड़ा धक्का भी इतना तेजी से आता है परंतु वो महानादेव स्रोत में भी वो महामत्स्य का कुछ नहीं होता
वो अपने आप में तैरता रहता है। इसी प्रकार बोलते हैं महान बलियांशी तिमिर उभे कुले दोनों कुल में नद्या नदी का दोनों कुल में संचरण मतलब इधर उधर आवागमन करते क्रम संचरा वो एक कभी इधर कभी इधर इस प्रकार से इस संचरण से ताभ्यम अतिरिच्यते इससे क्या दिखाई होता है जब दोनों को एक कुल से भिन्न है जो दोनों कुल में आवागमन कर रहे हैं नदी के अंदर रह करके नदी के स्रोत से भी भिन्न है और दोनों कुल से भी भिन्न है ऐसा समझ में क्या बाकी को दृष्टांत से कोनो भाग नहीं लेना केवल इतना दृष्टांत को दे दृष्टांत दृष्टांत किस हिस्से को ग्रहण करना है हम केवल मात्र इतने ग्रहण करना है वो नदी के अंदर अनुसंचरण करने वाला मत्स्य जैसा कुल के साथ कोई संबंध नहीं है नदी के प्रवाह के साथ कोई संबंध नहीं है इसी प्रकार ये आत्मा भी क्या है कि संसारिक व्यवहार के दोनों कुल जागृत स्वप्न जो कुल है उसमें आवागमन करते हुए भी इसके साथ इसका कोई संबंध है ये अभिप्राय है दो कुल यहाँ पे क्या स्वप्नांत बुद्धांत दोनों में स्वप्न के बीच जागृत के बीच ये हो गया आपका महानता महामत्स्य बोला ये आत्मा की महानता हमारी महानता ये महा आप स्वयं इसको समझ सकते हैं जितना आप असंग जीवन जिएंगे उतना आपकी महानता को व्यापक तक समझ में आएगा जितना असंग जीवन जिएंगे इसीलिए बोलते हैं महानादेन स्रोतस अप्रगम्य गति एकमा अति बलियांशी तिवि मछली है उभे कुले नद्या संनद्या की दोनों कुल में संचरण मतलब आवागमन करते क्रम संचरण एक इधर उधर बार बार करने का ना ता अताभ्याम अतिरिच्यते उन दोनों कुल से भिन्न है और नदी की स्रोत से भी भिन्न है ये निश्चय होता है न च तस्य कुल द्वयगत दोष गुणवत्तम किसी कुल को किसी ने बहुत सुंदर लाइट से सजा दिया और फिर जो है सोने से बना दिया उससे भी मछली का कुछ नहीं आता और यदि कुल टूट भी गया फिर भी मछली का उसका गुण अथवा दोष के साथ कुल की गुण अथवा दोष के साथ मछली का कुछ नहीं बिगड़ता इसी गंगा जी मान लीजिए ऋषिकेश में कितना पुण्य स्नान में बह रहे हैं किसी जगह पे ऐसे ही गंगा जी कोई पुस्तक भी नहीं है परंतु उससे गंगा जी का क्या फायदा इसी प्रकार से उस गंगा के रहने वाला नादी और मछली का भी कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका कुल कितना भी अच्छा बन जाए कितना भी इधर कुल कितना अच्छा अच्छा आश्रम बने हुए हैं लोग देखने आते हैं परंतु मछली के पानी में नहीं रहता असंग असंग रहता यही हमारी जीवन की सही होनी चाहिए इसको बोलते हैं कि न चाहता कुल यहाँ पे दो दो कुल कौन है हमारे लिए आत्मा के लिए दो कुल कौन हो गया जागृत स्वप्न इसमें विचार करें कुल दोष गुणवत्ता मतलब जागृत स्वप्न भी गुण अथवा दोष हमने आज जो है स्वप्न में देखा नारायण नाम को दर्शन दिया इससे भी आत्मा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अतः हमने देखा किसी के झापर मार देखा उससे भी आत्मा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बड़ी कठिन लगता है ये सुनने में वास्तविक यही है जागृत हो अथवा स्वप्न में हो जागृत में आपने कितना भी तीर्थ दर्शन कर लिया हो ठीक है मानसिक शांति है परंतु आत्मा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आत्मा उद्धार हो जाए वो नहीं है अंतकरण शुद्ध हो जाएगा अंतकरण शुद्धि में अथवा विषय चिंतन से थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं बाकी आत्मा में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है इसलिए बताए न चाहता दोष गुणवत्तक न चोपचित सज्जते क्योंकि ये किसी जगह पे आसक्ति नहीं करते असो आत्मा क्वचित अपनी न सज्जते ये आत्मा किसी भी स्थान में या किसी भी स्थान में किसी भी काल में यदि क्वचित मतलब किसी भी स्थान में वह मतलब स्थान को लेकर के बोलते हैं किसी भी स्थान में मतलब यह कुल पर कुल जो बाल्यादिशो पे जागृत आदिशो तथा सर्वस्वस्था दक्षिणावर्तित में व्यवहित सर्वत्व मन महामिति अंतस्फुरंतम चाहे कितने भी अवस्था के अंदर सब गुजर गए अवस्था परिवर्तन होता चला गया परंतु मैं ये परिवर्तन नहीं वही मैं पसंद हो ससुर से इसलिए बोलते हैं अभी बाल्यादिश्वि जागृतादिशु तथा सर्वस्वस्था से व्यापृता स्वर्तमान महामिति अंतस्फुरंतम सुधा सारा अवस्था की व्यापृत होता गया व्यभिचार करता गया चला जाता गया मैं उसमें व्यभिचार नहीं हूँ स्वात्मान प्रकोटि करती भजताम जो मुद्रा भद्र जो इस प्रकार से अपने को अभिव्यक्त करते भद्र मुद्रा मैं ये भद्र मुद्रा की तरह जो अपने को अभिव्यक्त करते हैं वो सर्वत असंग है कहीं भी किसी के साथ आसक्ति नहीं करता न चो अशुभ कथित सज्जे थे किसी भी जगह पर आसक्ति नहीं करता ये तो मत्स्य दृष्टान्त देने के बाद फिर जो है पक्षी का दृष्टान्त देते हैं तथा से नौवा सुपर नौवा जैसे क्या देखिए मतलब बाज पक्षी अथवा चील जो चाहे वो ऊपर उड़ता हो चाहे वहाँ पर दृष्टान्त दिया कि दिन भर घूमने के बाद वो अपने शाम के वक्त जो है वो अपने कुलाए में अपने घोंसले में जब आना चाहते हैं तब क्या होता है आप देखना दूर से वो अपना पंखुड़ी को हिलाता नहीं है केवल विंग्स को थोड़ा सा एक दिशा दे देते हैं
धीरे 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 वो अपना को घोषणा में घुस जाते हैं। ठीक ऐसा ही जीव क्या करते हैं, मन को बुद्धि से मन को दिशा दे देते हैं अपना पंखुरी फायदा करके, बस आप सोना है आपको, फिर तो ईश्वर इच्छा से स्विच ऑफ होगा और फिर अपने स्वरूप में जाकर के सोना है, ठीक है ना। ऐसे उसको बोलते हैं न च श्रेणु वा न को अलग कर देना, श्रेणु व सुपर्ण वा नभसी परिवर्तन वचित अपनी प्रतिहन कम कर देना, चाहे द्वाज पक्षी हो अथवा सुंदर पंखरी वाला चिड़िया हो, वो आकाश में उड़ते समय किसी के द्वारा उसका इसका क्या होता है प्रतिहन विघटित नहीं होता। आकाश में उड़ते समय चिड़िया की गति कभी कुछ विघटित नहीं होता, क्यों, आकाश प्रतिबंधक नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म वस्तु है, इतना सूक्ष्म वस्तु है, उसका जो जितना स्थूल है उसमें उतना प्रतिबंधक है, समझ में आता है, जो स्थूलता में प्रतिबंधक है, जितना आप स्थूल के साथ अटैचमेंट करेंगे, जितना स्थूल के साथ तादात्म्य करेंगे, उतना प्रतिबंधक आपकी बढ़ती जाएगी, जितना आप सूक्ष्मता के जाएंगे उतना प्रतिबंधक कम होता जाएगा। और आत्मा का सर्वथा सूक्ष्मतम है, इसलिए कोई सूक्ष्म उस दृष्टांत से चिड़िया के दृष्टांत देकर के समझा, देखो चिड़िया कैसे आकाश में उड़ते हैं, उसकी गाड़ी में कभी ब्रेक नहीं लगाना पड़ता, इच्छा हुआ तो कभी जो है थोड़ा चिड़ी किसी पेड़ में बैठ जाते हैं और नहीं तो बस उड़ते रहते हैं। तो ऐसे ही जो असंग आत्मा सर्वथा असंग आत्मा श्रेण व सुवर्ण से परिवर्तन क्वचित भी प्रतिहन्न थे, किसी न के अन्य वहाँ पे होगा न क्वचित भी किसी भी स्थान पे उसका प्रतिघात नहीं आता है ना, प्रतिहन्न थे तथेव अयम आत्मा, ठीक उसी प्रकार से आत्मा क्रमेण स्थान त्रय संचरण, क्रम से तीनों स्थान में, तीनों स्थान क्या, बाल्यकाल से लेकर बुढ़ापा तक ना जाने कितने स्थान में आपने घूम लिया, कितना स्थान में आपको जाना पड़ा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रोज नियम है, बचपन से लेके कि बुढ़ापा तक कितना स्थान में घूमना पड़ा, आत्मा को कोई प्रतिबंधित नहीं है, ऐसे होते हैं तथा अयम आत्मा क्रमेण स्थान त्रय संचरण उक्त लक्षण, इसीलिए उक्त लक्षण कहा गया है ना, क्या लक्षण कहा गया, स्थान त्रय व्यतिरिक्त एकत्वम शुद्धत्वम अशुद्धत्वम प्रसिद्ध, ये सारा लक्षण करके घर जाते, इसलिए होते हैं उक्त लक्षण युक्त अंगीकार, तो भी अंगीकार करना युक्त संपत्ति, पहला ही कार्यक्रम में प्रतिज्ञा कैसे करते हैं, मतलब जिस स्वरूप को बोध करने के लिए हम प्रवृत्त हुए हैं, पहला ही कार्यक्रम में अपनी प्रतिज्ञा को दिखा दिया, अब इसी को सिद्ध करेंगे धीरे धीरे के करते हैं, आत्मा की स्वरूप सिद्ध करने के लिए आगे तक ले जाएंगे। पहला ही कार्यक्रम जो है आपका भाष्यकार आनंद गिरि जी इसको मार्गदर्शन दे दिया कि एक एव उपाधि के साथ अलग अलग प्रतीति होते हैं, परंतु अभिप्रय करते ही अब मिश्रा में आइए टीकाकार देखिए आपको जात भाष्य का टीकाकार क्या बोलते हैं, विश्व तेजस्य प्राज्ञानां स्थान त्रयम् क्रमेण संचारताम् ऐकम् एव वस्तुतः भवति इति अत्र हेत्वान्तरं विवक्षन् आह। विश्व नाम हो गया जागृत अभिमानी व्यष्टि चेतन, व्यष्टि चेतन को लेकर ही बोल रहे हैं, तेजस हो गया सूक्ष्म अभिमानी चेतन सूक्ष्म शरीर, और प्राग अज्ञान अभिमानी चेतन, इन तीनों का स्थान त्रयम् तीन स्थान में चेतन अभिमानी चेतन क्रमेण संचरतम क्रम से संचरण करते हुए ऐक्यम एव वस्तु तो भवति, वो वास्तविक एक ही वस्तु है, जो जो संचरण करने वाला व्यक्ति एक ही है, क्योंकि अत्र इस विषय में हेतुअंतर में कुछ हेतु को बोलने की इच्छा से यहाँ पे श्लोक आता है, बोलने के लिए श्लोक देते हैं। देखिए ये श्लोक जो है अपना बालिका का मूल में नहीं आया, इसका जो ये विश्व कहाँ बैठ करके काम करते हैं, तेजस कहाँ बैठ करके काम करते हैं, मतलब प्राग्ञ कहाँ बैठ करके रहते हैं आनंद देते हैं, वो जो है मूल में नहीं है, वो कालिकाकार यहाँ पे ला रहे हैं। देखिए बोलते हैं दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनसंतस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञ स्त्रिधा देहे व्यवस्थितः दक्षिणाक्षी मुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञ स्त्रिधा देहे व्यवस्थितः। विश्व कहाँ बैठ कर काम करते हैं, दाहिने आंख के अग्रभाग में दक्षिणाक्षी मुख्य विश्व, वहाँ पे बैठ कर के विश्व, यहाँ पे हमारे गिरधर मुकुट में कुछ ब्राह्मण आए हुए हैं,
चतुर्थ अध्याय पहले है षडाचार ब्राह्मण, उसके बाद आता है कूर्च ब्राह्मण, उसके बाद आता है ज्योतिर्ब्राह्मण, उसके बाद शरीर ब्राह्मण। कूर्च ब्राह्मण में छोटे बे जागदोपल के ऋषि जनक राजा को समझाते हैं, दाहिने हाथ में जो बैठा हुआ ये पुरुष, बाएं हाथ में बैठा हुआ पुरुष, ये दोनों पति पत्नी है, विराट को लेकर के बोलते हैं, विराट गवर्नर करते हैं, ये दोनों जाकर के हृदय जाकर में जाकर के सोते हैं, पूरी तरह नाड़ी के तरह अंतम से जाकर के सोते हैं, और उसका एक आवरण भी है ऐसा करके वहाँ पे दिखाते हैं। कुछ अलग अलग नहीं है, ये बोला ना चिंतन के लिए एक रास्ता दिखाया गया, कि अलग कोई नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, उपाधि के साथ व्यवहार करते हुए अलग जैसे प्रतीति होते हैं, वहाँ पे ऐसा दिखाया गया, अपन तो दोनों मिल करके हृदय आकाश में जाकर के सोते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं दक्षिणाक्षी मुखे विश्व, दाहिने आँख के में बैठा हुआ विश्व, मतलब जागृत अभिमानी चेतन यहाँ बैठ करके व्यवहार करते हैं, बाकी समस्त इंद्रिय इसको प्रलक्षण है, मतलब इंद्रियों में मुख्य रूप से इंद्रिय गोलक में बैठ करके व्यवहार करते हैं। और मनसि अंतस्तु तेजस, और तेजस कहाँ भी बैठ करके व्यवहार करते हैं, केवल मन में अंतकरण वहाँ पर रचनात्मक है, मनुष्य अंतस्तु तेजस, मनुष्य के मन के अंदर तेजस बैठ करके तेजस व्यवहार करते हैं। और प्रात्म कहाँ करते हैं, हृदय च आकाश, हृदय आकाश, हृदय आकाश में प्राग्म व्यवहार, हृदय आकाश बोलो वहाँ पे पूरी तरह नाड़ी के द्वारा घेर के हृदय आकाश में जाकर के पति पत्नी एक होकर के सोते हैं, मतलब पति तो नहीं है, पति चेतन तत्व ही पे जाकर के सोता है। इसी प्रकार से त्रिधा देही व्यवस्थित, वही चेतन तत्व जागृत स्वप्न सुषुप्त में शरीर में तीन प्रकार से व्यवस्थित है। आप ये कब चिंतन करेंगे, आप इसी को पर देखिए, भगवत भगवान भाष्यकार बोलेंगे इसको, जागृत अवस्था या हाँ ये देखिए पहला लाइन भाष्य में आ जाइए आगे है ना, भाष्य का क्या बोलता है, जागृत अवस्थायाम एव, दिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्यों, क्योंकि भगवान भाष्यकर हमको साधन का निर्देश दे रहा है, जागृत अवस्थायाम एव विश्वादीनाम त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थ, जागृत में बैठ करके आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का अनुभव करो। हम कई बार बोलते हैं, आप कहाँ से बोलते हो, अब देखो हम कहाँ से बोलते हैं, हम कुछ मन से नहीं बोलते, भाष्यकार की पंक्ति को पढ़ करके बिल्कुल निश्चय होता है, भाष्यकार स्पष्ट बोलते हैं जागृत अवस्थायाम एव, जागृत अवस्था में बैठ करके ही एव लगाया, विश्वादीनाम विश्व तेजस प्राग्म तीनों का त्रयाना विश्व त्रयाना अनुभव प्रदर्शन, उसको अनुभव करने के लिए, मतलब अनुभव करने जागृत में बैठ करके आपको हो गया, जागृत में बैठ करके सुषुप्ति का आनंद जिस दिन आप ले पाएंगे ना, बस आपको स्वरूप बोध होगा, स्वरूप बोध निश्चित होगा, इसलिए बोलते हैं प्रदर्शनार्थ अयम श्लोक दक्षिण श्लोक को लिखा गया है, ये मूल में नहीं बताया, कार्य का विशेषता है, भगवान भाष्य का यही पे दिखा दिया आपको, देखो वेदांतिक साधन क्या है, विचार साधन क्या होता है, वेदांतिक वेदांति के विचार साधन करने के लिए मन तैयार जब तक नहीं होता है ना, निष्काम कर्म के द्वारा मन जब तक मतलब शुद्ध नहीं तब तक ये साधन आप कर ही नहीं पाएंगे, ये साधन करना थोड़ा सा भी दिया तो जन्मांतर में करके आया है कुछ अंत कर तब जाकर के इसमें सीधा मन लगता है, बस अपने स्वरूप में चिंतन में एक ही जगह में बैठ करके जागृत में बैठ करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का जो चेतन का अनुभव करना, वो चेतन तत्व का अनुभव करना, इसीलिए ये श्लोक लिखा गया है, इसलिए श्लोक लिखा गया है ना, इस आया समझ में कि देखिए जिस चीज को आप ग्रंथ से प्रतिपादन करना चाहते हैं पहले क्या प्रति एक त्रिधा में तो ये भी है, नाउ हाउ यू कैन एक्सपीरियंस दैट थिंग, सीधा भाष्य का लिख दिया, हाउ कैन वी एक्सपीरियंस दैट थिंग, पहले प्रतिज्ञा उसके साथ वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी दिखा दिया नहीं। तो दक्षिणाक्षी मुख्य विश्व, दक्षिणाक्ष में बैठा रहता है वो विश्व, और मन के अंदर तेजस, अब जागृत में बैठ करके आप इसको अनुभव करना है, क्योंकि सुषुप्ति में सपने में नहीं होगा अनुभव, जागृत में अनुभव होगा, इसलिए जागृत अवस्था जागृत अवस्थायाम एव, भाष्य में ना जागृत अवस्था में ही विश्वादीनाम त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थ तो उसका अनुभव दिखाने के लिए अयम श्लोक है, ये श्लोक है दक्षिणाक्षी इति है ना, इसलिए आनंद के जी लिख रहे हैं श्लोक से तात्पर्य संघृणाति है ना, इस श्लोक की तात्पर्य क्या है, इस श्लोक की तात्पर्य है कि जागृत में बैठ करके सुषुप्ति का अनुभव करो, अब इसी का ही विस्तार होगा, कहाँ पे पहुँचना है कैसे पहुँचना है ये बता दिया यहाँ पे,
अब इसी का विस्तार होगा, छोटा छोटा करके आपको रास्ता दिखाएंगे, है ना। जागृत अवस्थाया में विश्वादिना। अच्छा अब फिर टीका में देखिए, न च एकस्याम अवस्थायाम एकस्मिन एव देहे भिन्नतम आत्मनः तत् बाधिभिः अपि इष्यते। मतलब जो ये आत्मा एक मानने वाला केवल वेदांति है, बाकी सांख्य दर्शन पुरुष का अनेक माना, योग दर्शन पुरुष का अनेक माना, न्याय वैशेषिक दर्शन की जीवात्मा परमात्मा अनेक अलग माना, और जीवात्मा अनेक परमात्मा एक ऐसा माना, और पूर्व मीमांसा दर्शन की जीवात्मा अनेक माना। इस आत्मा को अनेक मानने वाले व्यक्ति को भी, व्यक्ति भी एकस्याम अवस्थायाम एकस्मिन् एव देहे, एक अवस्था में एक ही देह में भिन्न आत्मा में भिन्नता है, वो लोग का भी अभिष्ट नहीं है। तद्वादि भेदवादि भी जब भी न इष्यत, नहीं धर सकेगा, न इष्यते, है ना। ये यहाँ तक बात को देखो, न च एकस्याम अवस्थायाम एक अवस्था में एकस्मिन् एव देह और एक ही शरीर में भिन्नतम आत्मन, आत्मा की भिन्नता तद्वादी भी, मतलब आत्मा की भेदवाद, आत्मा की भेद मानने वाले को भी इष्यत, उसका भी अभिष्ट नहीं है, उसका भी अभिष्ट नहीं है। यह अभिप्राय जागृत अवस्थाया इति तु देह व्यवस्थितत्व उक्त्या विशेषण। वो जो बोला ना भाष्य में पहला शब्द क्या, जागृत अवस्थायाम एव, ठीक है ना, भाष्य में पहला शब्द है। तो टीकाकार बोलते हैं जागृत अवस्थायाम इति तु देहे व्यवस्थितत्व उक्ता विशेषण, शरीर को एक जगह पे व्यवस्थित करके, आप व्यवस्थित मतलब एक आप विचार कैसे करोगे, चलते फिरते घूमते ऐसा नहीं, कब चल रहा है, कब चल भी रहा है, बात भी कर रहा है, हाथ भी घूम रहा है, ऐसा साधन ये नहीं है, ऐसा साधन ये नहीं है। कितना स्ट्रिक्ट है, जागृत अवस्थाया, जागृत अवस्था में बैठ करके सोने से उगने से उसमें नहीं होगा काम, आपको बिल्कुल आपको अलर्ट रखना पड़ेगा। इसीलिए वेदांतिक जो समाधि है वो इंद्रियों को बंद करके नहीं है, वेदांतिक समाधि इंद्रियों को खोल करके है। जागृत अवस्थाया, जागृत अवस्था में आपके सारा इंद्रियों सजाग रहता है, इस अवस्था में बींग प्रॉपरली अलर्ट बट सिटिंग इन द सेम प्लेस, इसलिए बोलते हैं जागृत अवस्थाया देहे व्यवस्थित, देह व्यवस्थित होता, शरीर एक जगह विशेष रूप में स्थिर करके, व्यवस्थित मतलब होगा शरीर को एक जगह में विशेष रूप में स्थिर करके, उक्ता विशेषण, ये विशेषण को दिया गया है, क्योंकि तब जा करके आप एक जगह में बैठ करके तीनों को समझ पाएंगे। समय हो गया इसको, आज रखते हैं इसको, वेरी इंटरेस्टिंग है इसका पूरा जो है, आपको सुंदर रूप से आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है। ओम हमें अजम अपि जनियोगम प्राप, पहला वाला अजम अपि जनियोगम प्राप ऐश्वर्य योगम प्रापदेकम विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानाम ब्रह्म यत्तन्न तदोऽस्मि।